बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी आपकी अवेलेबल होगी, कैश ऑन डिलीवरी पे भी पार्सल आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्टर को लगाएंगे तो इसका प्रोजेक्टर के अलग ही आपको दिखेगा कि प्रोजेक्टर का जो लुक है कितना अच्छा दिख रहा है। सो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 4K वीडियो प्ले कर दी और ये 4K भी सपोर्ट करता है। काफी डिफरेंट आपको दिखने वाला है, अभी तक के किसी भी मॉडल में आपको इस तरीके का लुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया प्रोजेक्टर लेके आई हूँ जो कि हमारा टोनजो ब्रांड का 845 मॉडल होने वाला है। इसका जो बॉक्स है काफ़ी बेटर कलर में आपको देखने को मिलेगा, अभी तक के किसी भी प्रोजेक्टर का बॉक्स आपको इस कलर में देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जो पहचान है काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोजेक्टर का बॉक्स है। टोनजो 845 मॉडल है, इसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड बेस्ट प्राइस में आपको ये प्रोजेक्टर यहाँ से मिलने वाला है। तो मैं आज इस प्रोजेक्टर की आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एंड इस पिक्चर की क्वालिटी के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी क्या होने वाली है, क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या एक्सेसरीज इसके साथ में आपको मिलने वाली है। मैम अगर हमें इसे परचेज करना हो तो कहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप इस प्रोजेक्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ट्रेंडिंग गैजेट है उस पर डायरेक्ट जाके भी आप प्रोजेक्टर को बाय कर सकते हैं एंड कंपनी के दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्कशन में मैं कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर एंड आपका अपनी वेबसाइट का लिंक भी आपको फॉरवर्ड करूंगी जिसपे आप डायरेक्ट कंपनी का प्रोजेक्टर बाय कर सकते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस के साथ में। मैम क्या ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी आपकी अवेलेबल होगी, कैश ऑन डिलीवरी पे भी पार्सल आप बुक कर सकते हैं, वो भी अगर आप क्वांटिटी में लेना चाहते हैं क्वांटिटी में। अगर आपको वन पीस की रिक्वायरमेंट है तो वन पीस भी आप यहाँ से आसानी से परचेस कर सकते हैं। एंड हमारा जो वेयर हाउस होने वाला है दिल्ली ओखला फेज 2 नियर बाय गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन E47/5 में होने वाला है, जहाँ पर आकर आप डायरेक्ट ऑफलाइन भी प्रोजेक्टर को बाय कर सकते हैं। बकायदा डेमो रूम में पूरी वीडियो की क्वालिटी देखने के बाद आप प्रोजेक्टर यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैम कितने इंच की स्क्रीन हमें बना के देगा? ये जो सर प्रोजेक्टर की स्क्रीन आपको बना के देने वाला है मैक्सिमम 300 की इंच की स्क्रीन ये पूरी कवर करने वाला है। तो मतलब कि मान लीजिए कम पैसों में आपको धमाका आपको मिलने वाला है, 300 इंच की स्क्रीन आपको ये प्रोजेक्टर बना के देने वाला है। मैम क्या ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड होने वाला है? बिल्कुल, ये प्रोजेक्टर आपका एंड्रॉइड वर्जन 6 में होने वाला है एंड इसकी जो ब्राइटनेस है 5000 इसकी लुमेंस है, 4000:1 इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो है एंड 1+8GB इसका रैम रोम है। तो आइए मैं इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाती हूँ क्या प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग होने वाली है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाती हूँ क्या क्या प्रोजेक्टर का लुक होने वाला है, क्या क्या इसके साथ एक्सेसरीज आपको मिलने वाली है यूज करने के लिए। ये देखिए आपका जो प्रोजेक्टर है इस तरीके की पैकिंग में आपको दिखने वाला है एंड काफी कॉम्पैक्ट सा प्रोजेक्टर है एंड इसको आपका इसके साथ जो एक्सेसरीज आपको मिलने वाली है आप देख पा रहे हैं, कॉम्पैक्ट सा रिमोट मिलने वाला है, काफी पतला रिमोट है एंड काफी यूजफुल में आपका स्मूथ चलेगा आपका। एंड ये आपका पावर केबल होने वाली है जो कि आपकी 2 पिन की होगी। ये आपका AB केबल है जो कि आपका रिमोट के थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सॉरी आपका सेटअप बॉक्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका HDMI केबल होने वाला है, लैपटॉप या डिश टीवी आपके पास कनेक्ट करने के लिए है तो आप उससे कनेक्ट करके डायरेक्टली देख सकते हैं। एंड ये आपको मैनुअल दिया गया है, अगर आपको प्रोजेक्टर ऑपरेट करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसमें पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें हर फीचर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रोजेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी प्रोजेक्टर की एक्सेसरीज, अब मैं आपको प्रोजेक्टर दिखाने वाली हूँ कि प्रोजेक्टर का जो लुक है काफ़ी शानदार सा किस तरीके से लुक इसका दिखने वाला है। ये इस तरीके से पानी की पैकिंग में होगा। सो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये प्रोजेक्टर मिलने वाला है और आगे इसके आपको एक लैम्प के लिए बॉक्स भी मिलने वाला है। जी इसका जो लुक है काफ़ी डिफरेंट आपको दिखने वाला है, अभी तक के किसी भी मॉडल में आपको इस तरीके का लुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना ही छोटा प्रोजेक्टर उतना ही बेहतरीन आपका इसका लुक आपका आ रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ से इसके अलग अलग फीचर्स आपको अलग अलग तरीके से आपको इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको ऊपर के साइड में देखिए फ्रंट में आपको बटन्स दी गई हैं जो कि कीस्टोन करप्शन इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें ये आपका फ्रंट एंड अप डाउन के लिए बटन दिए गए, ओके का बटन दिए गए, आपका बैक साइड के लिए बटन दिया गया है, ये आपका यहाँ पे पावर ऑफ एंड ऑफ का बटन दिया गया है, ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ये कीस्टोन करप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है राइट साइड में। ये आपका लेंस कवर है, लेंस कवर देखिए काफ़ी न्यू बेहतरीन तरीके में आपको दिया गया है, इस तरीके का आपको लेंस कवर यहाँ पे दिया गया है। इसका जो फोकस लेंस है काफ़ी लुक देख पा रहे हैं आप, कितना लुक आपका बेस्ट दिख रहा है इस तरीके से, काफ़ी डिजाइनिश प्रोजेक्टर आपको दिया गया है इसमें। एंड बात करें मैम इसके पोर्ट्स की, पोर्ट्स दिखाइए, पोर्ट्स इसमें कौन कौन से मिलने वाले हमें? बिल्कुल, ये जो पोर्ट आप देख पा रहे हैं ये देखिए मल्टीपल पोर्ट आपको इसमें दिए गए हैं, आपका IR सेंसर आपको दिए गए इसमें,
फ्रंट एंड बैक दोनों में दिए गए। ए बी केबल आपको इसमें दी गई है, जिसमें आप मैंने आपको बताया था सेटअप बॉक्स के लिए। ये आपका ऑक्स पोर्ट है होम थिएटर कनेक्टिविटी के लिए। ये एच डी एम आई केबल है लैपटॉप कनेक्टिविटी के लिए। ये यू एस बी पोर्ट आपको दिए गए, जो इसमें आप अपना यू एस बी पेन ड्राइव कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये आपका की स्टोन करप्शन के लिए रिंग दी गई है, की स्टोन करप्शन आप कर सकते हैं। ये आपका पावर पोर्ट है टू पिन वाला। तो आप देख पा रहे हैं बैक एंड फ्रंट में मैंने आपको डिटेल्स बता दिए किस तरीके से ये प्रोजेक्टर आपको दिखने वाला है। ये बैक फ्रंट साइड में आपको आई आर सेंसर दिया गया है, एंड आपको ये एडजस्टमेंट के लिए स्क्रू भी आपको दिया गया है। अगर आप अपने प्रोजेक्टर को एक काफ़ी बेहतरीन सा लुक आप देने वाले हैं, तो आप इस तरीके से इस प्रोजेक्टर को काफ़ी अच्छा सा लुक देख सकते हैं। अगर आप टेबल वगैरह पे से यूज़ करके देख रहे हैं, या आप अपने ऑफिशियल पर्पस में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये लुक जो है इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोजेक्टर को लगाएंगे तो इसका प्रोजेक्टर की अलग ही आपको दिखेगा कि प्रोजेक्टर का जो लुक है कितना अच्छा दिख रहा है। एंड आप देख सकते हैं नीचे आपका फ्रंट के साइड में आपको यहाँ पे सीलिंग माउंट के लिए होल्स दिए गए हैं। अगर आप ये प्रोजेक्टर सीलिंग पे हैंग करना चाहते हैं, माउंट पे हैंग करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सीलिंग के थ्रू भी प्रोजेक्टर को हैंग कर सकते हैं। इसकी फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, 5000 लूमेंस है इसकी, ब्राइटनेस जो है इसकी 5000 है, 4500 इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड 300 इंच की स्क्रीन ही कवर करके देता है। 1+8GB इसका रैम रोम है, एंड्रॉइड वर्जन ये 6 होने वाला है। तो अभी मैंने इस प्रोजेक्टर के सारे फीचर्स बता दिए। ये भी प्रोजेक्टर आपका एंड्रॉइड में होने वाला है, इसमें भी आप नेटफ्लिक्स हॉटस्टार थोप टीवी जैसे सारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बकायदा देख सकते हैं। वो भी फाइव स्टार कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको जो पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी स्मूथ नजर आने वाली है। तो आपको छोटे छोटे प्रोजेक्टर में घर जैसा सिनेमा हॉल जैसा मजा आपको मिलने वाला है। तो आपको कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे सिनेमा हॉल जैसा मजा ले सकते हैं। तो मैंने प्रोजेक्टर के बारे में पूरी डिटेल्स आपको वर्बली बता दी, अब मैं डायरेक्टली इसका आपको लाइव डेमो दिखाने वाली हूँ, जो पिक्चर की क्वालिटी है इसकी क्या होने वाली है। तो गाइज आप चेकआउट कर सकते हो, हमने जो है प्रोजेक्टर को सेटअप कर लिया और लाइव डेमो के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैम बात करें केबल्स की, तो अभी हमने इसमें कौन कौन सी केबल्स प्लग इन कर रखी हैं? अभी मैंने आपको इसमें लाइव डेमो दिखाने वाली है, जो HDMI के थ्रू कनेक्ट करके दिखाने वाली है। जो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो आपका 4K सपोर्ट होने वाली है। आप अगर HDMI के थ्रू प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफी बेहतरीन हो जाएगी, 4K भी आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका लाइव डेमो आपको 4K वीडियो को देने वाली हूँ। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पिक्चर की क्वालिटी है वो क्या होने वाली है। सो गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 4K वीडियो प्ले कर दी और ये 4K भी सपोर्ट करता है। आप चेकआउट कर सकते हैं पिक्चर क्वालिटी को। पिक्चर जो क्वालिटी है वो आपकी लाइट में भी यूजफुल रहेगी। आप डार्क रूम में देखेंगे तो पिक्चर की क्वालिटी में आपको 4 चांद लगने वाले हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के तरीके से कोई भी प्रॉब्लम इस प्रोजेक्टर में आपको नहीं होने वाली है। आपको हर सुविधा इस प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। लाइट में भी यूज करना चाहे लाइट में भी कर सकते हैं, डार्क रूम में करना चाहे तो डार्क रूम में आपका ये सिनेमा हॉल जैसा प्रोजेक्टर आपका मजा देने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर इसी तरीके की आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको ये प्रोजेक्टर बाय करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का लिंक एंड कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, आप उन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके प्रोजेक्टर को बाय कर सकते हैं। एंड दिए गई लोकेशन पर वेयर हाउस में विजिट करके भी डायरेक्ट प्रोजेक्टर ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।